मी आहे आपल्या सोबत नेहा आणि आपण बघत आहे शंखनाद न्यूज. शंखनाद स्पेशल सल्ला डॉक्टरांचा या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी नेहा आपले खूप खूप स्वागत करते. आज आपल्या सोबत उपस्थित आहे डॉक्टर अनुपा जैन, ज्या एक डेंटिस्ट आहे. आपल्या सर्वांना माहिती की दातांचं जर आपण प्रॉब्लेम बघितलं तर खरंच खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, मग ते लहान मुलं असो कि मग वयोवृद्ध लोक असो. एक सोडला व्यक्ती तर खरंच दाताची जी समस्या आहे ती खरंच मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. नेमकं वाढण्याचे कारण काय आहे आणि वाढल्यास त्याला कशा पद्धतीने आपण कंट्रोलमध्ये आणू शकतो याबद्दल आज आपण मॅम सोबत सविस्तर चर्चा करणार आहोत. सर्वप्रथम नमस्कार मॅम, सल्ला डॉक्टरच्या आजच्या कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत आहे. चर्चेला आपण सुरुवात करूया. पहिला सवाल ये है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? श्योर. मैं डॉक्टर अनुपा जैन, मैं डेंटल सर्जन हूँ और मैं धर्मपेट में प्रैक्टिस करती हूँ. और आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन करने में और आपको डेंटिस्ट के पास जाने का काम कम से कम पड़े. कोई बताता है नहीं. यस यस यस. चलो स्टार्टिंग में मैम ने एक दमदार इंट्रोडक्शन खुद का दे दिया है. लेट स्टार्ट मैम. मेरा पहला सवाल ऐसा है कि लाइक हम सबको पता है कि दांत इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ. ओके, चबाने से लेकर तो. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आरसी करने की जरूरत होती है या फिर एक दांतों का हम प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर प्रॉपर हेल्थ किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबको हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, एक विजिट होना चाहिए. क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि पेशेंट्स को नहीं समझ आता है कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है. जनरली जो कीड़ा लगता है दांत में वो कभी भी आउटर लेयर से स्टार्ट होता है, जैसे इनेमल होता है, फिर डेंटिन होता है, फिर पल्प होता है. तो जब कीड़ा इनेमल में लगता है सबसे आउटर लेयर में तो हमको कोई पेन नहीं होता है, कुछ सिम्टम नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो पेशेंट को लगता ही नहीं है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है. पर जब वो आगे नीचे डेंटिन में जाता है तब थोड़ी हल्की सी सेंसिटिविटी होने लगती है. और उसके बाद में जब वो अंदर और पल्प, जिसे हम बोलेंगे नस, दांत की नस जो होती है, वहाँ तक की कीड़ा जब जाता है तब मेन पेन होता है. मतलब 90% ऑफ द पेशेंट्स जो है डेंटिस्ट के पास तभी आते हैं. yes, मतलब वो खा नहीं पाते हैं, स्वेलिंग आती है, कुछ मतलब बहुत तकलीफ हो जाती है. तो फिर इसीलिए हम जाएंगे अगर हर 6 महीने डेंटिस्ट के पास तो ये जो ऊपर में है कीड़ है वो पहले ही हमको समझ में आ जाएगी, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा. लेकिन और अब आपकी बात थोड़ी सी, लेकिन बहुत बार हम मतलब लाइक जहाँ हद तक मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत से लोग हेजिटेट होते हैं डेंटिस्ट के पास जाने के लिए, तो उसका क्या रीजन है? एक्चुअली काफ़ी लोगों को थोड़ी शर्म होती है कि जैसे स्मोकिंग करते हैं लोग, टोबैको च्यूइंग करते हैं, तो बहुत गंदे दांत होते हैं. okay. तो उनको खुद को पता है बट स्टिल दे आर हेजिटेटिंग टू गो टू डेंटिस्ट. फिर दूसरी बात यह है कि थोड़ा पहले मतलब कुछ साल पहले बहुत नेग्लेक्टेड पार्ट था टीथ. मतलब चलो 32 दांत है ना, एक खराब हो गया तो क्या क्या होता है, ये ऐसी सोच पहले थी. अभी काफ़ी अवेयरनेस आ गया है तो फिर हेजिटेशन रहता है लोगों को, और कोई कोई लोगों को पेन का भी डर रहता है. पर एक्चुअली हर कोई प्रोसीजर जो है ज़्यादा करके लोकल एनास्थेसिया में होती है, इसीलिए पेन को मतलब पेन नहीं होगा डेंटल क्लिनिक में, तो ये डर सब लोग मन से निकाल दे. और जैसे आप रूट कैनल की बात कर रहे थे, yes. जैसे जो कीड़ा लगा है वो इनेमल में ही है, ऊपर के ही लेयर में है, तो वहाँ पर कैसे हम थोड़ा फीलिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा. पर जब वो और नीचे आता है डेंटिन में जाता है, जब थोड़ी फीलिंग अपनी बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी पेनफुल हो सकती है. और उसके बाद में जब पल्प में जाता है, जब रूट कैनल का काम पड़ता है, जो पूरी नस जो है पूरी इन्फेक्टेड हो जाती है और पूरे रूट्स तक के उसका इन्फेक्शन जाता है, उसके बाद में नीचे की जो हड्डी है वहाँ पर पस हो जाता है, तो इस स्टेज पे पेशेंट कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही जाना है. तो जो काम पहले फीलिंग से हो रहा था वो भी आरसी से करना पड़ता, लंबा चले जाता है. रूट कैनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में कैप लगाना पड़ता है. तो विदाउट आरसी कुछ सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसमें, ऐसा आपको लगता है एज अ डेंटिस्ट? एज अ डेंटिस्ट मैं कहूँगी प्रिवेंशन सबसे बढ़िया चीज है. मतलब आप अगर पहले ही जा रहे हो डेंटिस्ट के पास, आपको जब हल्की सी सेंसिटिविटी हो रही है तो तब कैसे हम नुस्खा फीलिंग से काम हो सकता है. और कॉस्ट वाइज भी इसमें काफ़ी फर्क है, जैसे इनेमल में ही है, आउटर लेयर में ही है कीड़ा, तो वो निकाल के वहाँ पे छोटी फिलिंग करना पड़ेगा. yes. वो अगर डेंटिन में है तो थोड़ा सा फीलिंग बड़ी रहती है, थोड़े मेडिकामेंट डालते हैं उसमें, फिर ऊपर से फीलिंग की जाती है, तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है. और जब वो नीचे नस में आता है अंदर, तो वो सीधा रूट कैनाल हो जाता है, तो
मतलब आप जितना जल्दी जाओगे, आपको जैसे ही एक सिम्टम दे दिया आपके दांत ने, आप जितना जल्दी जाओगे उतना आपका खर्चा भी कम होगा, सिटिंग्स भी कम लगेगी। लेकिन हमारी मेंटेलिटी है जब प्यास लगती है जब परेशान होंगे तभी जाएंगे तभी जाएंगे। बेसिकली हम बहुत बार देखते हैं कि पेरेंट्स लोग बच्चों को बोलते हैं कि चॉकलेट्स मत खाओ। हाँ यूजुअली मतलब 99% तो पेरेंट्स बोलते हैं। तो मेन रीजन क्या है कि चॉकलेट बच्चे ने नहीं खाना चाहिए कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं? एक्चुअली दोनों रीजंस है। ओके चॉकलेट वैसे भी नहीं खाना चाहिए पर कैसे है बच्चे एक्चुअली ब्रशिंग करने के लिए काफी परेशान करते हैं पेरेंट्स को। बहुत कम बच्चे रहते हैं जो खुद से ब्रशिंग करते हैं। यस और दूसरा ये कि चॉकलेट बोलो या पिज्जा बिस्किट्स मतलब कोई भी स्टिकी फूड एंड जंक फूड वो टीथ को अडहेयर करता है तो फिर उसके लिए प्रॉपर ब्रशिंग करना जरूरी है जो बच्चे नहीं करते हैं। तो मतलब मैं एडवाइस करूंगी कि बच्चों को चॉकलेट खाने दीजिए पर हर चॉकलेट खाने के बाद अगर आप ब्रशिंग करें या ब्रशिंग नहीं तो नहीं कैटलिस्ट गार्गल करें पानी से प्लेन पानी से तो भी काफी हेल्पफुल है। जैसे आपने खाने की बात किया फिर आपने चॉकलेट्स की बात की लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की कुछ क्वेश्चंस है क्वायरीज है कि मुंह से बदबू आती है लाइक बैड ब्रीदिंग तो वो किस तरह से है मतलब और एज अ डेंटिस्ट आप लोगों को क्या सजेशन देना चाहोगे? एक्चुअली इसका मेन रीज़न होता है कि हमारे यहाँ ब्रशिंग 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 करते हैं हम लोग कभी डेंटिस्ट के पास जाते नहीं है अनलेस अंटिल हमको कोई परेशानी ना हो दांत दर्द ना हो। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हम उनको बोलते भी है कि जो क्लीन जो दांत खराब है उसका ट्रीटमेंट करते हैं yes. पर सब ओरल कैविटी में जो भी ज़रूरत है कि भाई आपको यहाँ पे दांत क्लीन करने की ज़रूरत है यहाँ पे फिलिंग की ज़रूरत है पेशेंट्स का एटीट्यूड रहता है कि हाँ नहीं बस अभी जो दर्द हो रहा है इलाज जो है वो फिलअप करके दो। यस तो काफी लोग ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने लाइफ के 20-25 साल भी हो गए रहते हैं बट एक भी बार स्केलिंग मतलब जो दांत क्लीन करने का प्रोसीजर रहता है उसको स्केलिंग बोलते हैं तो वो कभी किया नहीं रहता है। तो फिर कैसे जो फूड जो है जमा होता है उसके बाद में अपने गम्स के बाजू में अराउंड गम्स के मार्जिन के बाजू में दांत पे पेलिकल एक लेयर जमा होती है तो जब हम ब्रशिंग करते हैं वो निकल जाती है पर फिर भी किसी का सलाइवा ठीक रहता है किसी की ओरल हाइजीन पुअर रहती है या फिर और कोई मेडिकल इश्यूज रहते हैं तो जिसके वजह से उनकी पेलिकल जो है वो मतलब बढ़ते जाती है और वो काफ़ी बढ़ने के बाद में कैल्सिफाई होना स्टार्ट होती है जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं मतलब वो कड़क बन जाता है तो आप कितना भी ब्रशिंग करिए वो नहीं निकल पाएगा तो फिर गम्स और दांत के बीच में वो जमा हो जाती है कैलकुलस तो उसके वजह से कैसे है बैड ब्रेथ उसके वजह से आती है प्लस खाना अटकता है जैसे आपके दांत में कीड़ा लगा है वहाँ पे कैविटी हो जाती है गड्ढा yes. हो जाता है तो आप हर बार उतना नहीं कर पाते हो मतलब ब्रेकफास्ट हो गया लंच हो गया डिनर हो गया आप हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप फूड को निकाल रहे हो तो वो भी जमा होने की वजह से मतलब ये दो रीजंस की वजह से बैड ब्रेथ आती है। तो इसमें जो क्लीनिंग का पार्ट है तो वो क्लीनिंग आप अगर कराए हर साल एक बार तो भी तो काफ़ी इश्यूज मतलब आपको गम्स के इश्यूज ही नहीं रहेंगे बैड ब्रेथ भी नहीं रहेगी। और कैसे है जैसे जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हर एक टूथ को हम पर्सनली विजुअलाइज कर पाते हैं अच्छे से देखते हैं इंस्पेक्शन कर पाते हैं तो कुछ अगर होगा भी छुपी हुई सड़न या कुछ भी वो दिख जाती है और वो हम पेशेंट को बता पाते कि नहीं यहाँ पे लेकिन बहुत बार लोगों का ऐसा मानना है कि आफ्टर क्लीनिंग जो टीथ है हमारे वो हिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो मतलब ये सही है या गलत है? एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है डेंटिस्ट्री में का कि मतलब लोगों का ये मिसकंसेप्शन हो गया है कि दांत साफ करने के बाद सेंसिटिविटी बढ़ जाती है या दांत हिलने लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत सालों तक काफ़ी लोग क्लीनिंग नहीं करते हैं टीथ की तो वो बहुत ज़्यादा जाड़ी परत बन जाती है दांत पे। जब हम उसको क्लीन करते हैं उसको अल्ट्रासोनिक स्केलर से हम क्लीन करते हैं तो वो वाइब्रेशंस पे चलता है स्केलर जस्ट सिंपली जो फूड डिपॉजिट्स और जो कैलकुलस जमा हुआ है जो हार्ड पर जमी है उसके ऊपर वो वाइब्रेशंस से उसको निकाल देता है तो उसके वजह से वो निकल जाने के बाद में वहाँ पे स्पेस हो जाती है मतलब जहाँ पे एक्चुअली मसूड़ा रहना चाहिए था वहाँ पे वो गंदगी थी तो गंदगी निकलने के बाद वो मसूड़े को दांत पे आने के लिए थोड़ा 2-3 दिन का हीलिंग टाइम लगेगा तो उस बीच में जो है पेशेंट्स को टंग को खाली खाली सा लगता है और वो जो एक टाइम लगेगा मसूड़े को दांत पे आने के लिए तो फिर उस टाइम में पेशेंट को लगता है कि नहीं अरे दांत हिल रहे हैं क्या मेरे या मेरे दांत का टुकड़ा तो नहीं निकल गया
और उस परत के वजह से जो सेंसिटिविटी कॉजिंग थे चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है या कुछ भी, तो वो पहले परत थी इसलिए पेशेंट को सेंसिटिविटी कुछ फील नहीं होती थी। पर अब ऐसा है कि अभी वो हेल्दी स्टेट में है, आपके दांत को सेंसिटिविटी हो रही है, आपके दांत हेल्दी स्टेट में है, तो वो सेंसिटिविटी नहीं हो रही है इसलिए आप चलने दोगे वो परत को, तो ये गलत बात है। तो सेंसिटिविटी जो होती है इस कारण वो एक कुछ दिनों के लिए होती है, उसके लिए माउथ गार्गल्स है, माउथ वॉशेस यूज कर सकते हैं आप, और सेंसिटिविटी एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट है, तो ये सब चीज़ों से हम उसको कवर अप कर सकते हैं। जैसे मैम आपने अभी बोला कि माउथ गार्गल है या फिर टूथपेस्ट है, तो किस हद तक, जैसे लिखा रहता है कि 100% मतलब उसका बेनिफिट होगा, लेकिन सच में होता है कैसे आपको लगता है? टूथपेस्ट ऐसा है कि जैसे क्लीनिंग के लिए हमको चाहिए डेंटिफ्रिस, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आज मार्केट में अवेलेबल है कुछ, मतलब डॉक्टर्स भी सजेशन देते हैं कि ये यूज करो, तो वो मतलब लाइक सही है कि गलत है? जो नॉर्मल टूथपेस्ट है नॉर्मल लोगों के लिए जिनको कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सारे टूथपेस्ट, सारे कंपनी के टूथपेस्ट का जो फॉर्मुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यस, सिर्फ जो बच्चों के लिए फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसमें फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिसके वजह से जो कीड़ा लगने का प्रमाण है वो कम हो जाता है। बाकी जिनको सेंसिटिविटी है या ओल्ड एज पीपल है या फिर जिनको एसिडिटी की कंप्लेन है, उनका इनेमल वेयरिंग मतलब जो दांतों की सबसे बाहरी लेयर रहती है वो वेयरिंग ज़्यादा हुआ रहता है, इसलिए उनको सेंसिटिविटी होती है, तो उसके लिए फिर रहते हैं सेंसिटिविटी कम करने वाले टूथपेस्ट। ओके, उसमें उसमें अलग से इंग्रेडिएंट होता है सेंसिटिविटी के। ओके, अगर बात करें हम कि फॉर एग्जांपल कि अगर 3 या 4 साल का बच्चा है, अगर उसको कैविटी होती है, तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि ना वो ज्यादा पैमाने पे चॉकलेट्स खाते हैं, ना वो ज्यादा पैमाने पे फूड्स खाते हैं लाइक जंक फूड जैसे आपने बोला है, तो वो रीजन क्या है फिर? एक्चुअली छोटे बच्चों में ऐसा है कि हमारे यहाँ पता नहीं है ये बात, पर जैसे 6 मंथ्स को टीथ आ जाते हैं। यस, yes. तो 6 मंथ्स को टीथ आते से उसी टाइम से हमको, इवन टीथ आने के पहले भी हमको क्लीन करना, जो गम्स है हमारे मसूड़े हैं वो भी क्लीन करना ज़रूरी है बच्चों में। जैसे उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे गॉज लीजिए और उसको साफ वाटर में सोक करिए और उंगली पे लेके उसको बच्चे के मसूड़े पे घुमाना है, वैसे क्लीन करना है, टंग को भी वैसे क्लीन करना है। तो जैसे फर्स्ट टूथ आता है तो 3-4, 3-3.5 साल के बच्चों में हम टूथपेस्ट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मतलब उनको स्पिट करने का वो रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुआ रहता है, वो ही टक सकते हैं। तो फिर उसमें आपको सिर्फ वैसे ही गॉज लेना है और उससे क्लीन करना है टीथ, फिर उसके बाद में आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं बच्चों के लिए। और मतलब 1 साल के अंदर आपने एक डेंटिस्ट को विजिट दे देना है बेबी को लेके, क्योंकि जैसे हमने देखा है, एक अब मिथ की बात हुई है तो एक और मिथ बता दूं। डेफिनेटली कि बच्चों का मतलब काफी पेरेंट्स को लगता है कि जब दांत आते हैं उसके वजह से उनको डायरिया हो जाता है। yes. या फिर फीवर आता है। लाइक डिसेंट्री भी बहुत से बच्चों में मतलब देखने के लिए मिल जाती है। तो एक्चुअली दांत आना और इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मेन चीज ये है कि जैसे टूथ है उसके बाजू में जो उसका जो मसूड़ा रहता है वो थोड़ा सूजा रहता है, या इवन टूथ आने के पहले जो एक वो टीथिंग होता है, तो उसके वजह से कैसे बच्चों को ऐसे कुछ भी लेके चबाने की इच्छा होती है, तो नीचे का कुछ भी मिलेगा वो मुंह में डाल देंगे। यस, तो बिकॉज ऑफ दैट ओके इन्फेक्शन की मतलब जो डिसेंट्री वगैरह है उसके वजह से होती है। ओके, तो इन दैट केस आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कैरेट है Yes. या फिर अपना सादा टी स्पून है वो फ्रीजर में रख दीजिए, उसको ठंडा होने दीजिए और वो बच्चों को चबाने के लिए दे दीजिए। ओके, तो वो कुछ दिनों तक रहता है, जैसे टूथ इरप्ट होता है पूरी तरह से वो सबसाइड हो जाता है। बहुत खूब है, क्योंकि सच में ये लोगों में मिसकंसेप्शन था कि लाइक डिसेंट्री फीवर आना टाइफाइड होना, और आज वो कंसेप्ट मुझे तो भी ऐसा लगता है कि क्लियर हो गई है। अगर बात करें हम कि बहुत बार हमने देखा है कि लाइक टीनेजर हो गए या फिर बच्चे हो गए उनके दांत नहीं उखाड़ते, ऑप्शन इज आरसी रूट कैनल, तो बहुत से डॉक्टर बोलते हैं कि उसका डायरेक्ट मतलब हैम्परिंग हो जाता है, लाइक फिर दिमाग के ऊपर असर होता है, तो ये सही है कि गलत है ऐसा आपको लगता है? नहीं नहीं एक्चुअली जैसे बच्चों के दांत है, इवन हम ऐसे भी बोलते हैं कि अब पेरेंट्स का कहना रहता है कि अभी ये दांत तो गिरने ही वाले हैं, यस, तो फिर हम इसका क्यों ट्रीटमेंट करें। ओके, पर जैसे अब 12 इयर्स तक के बच्चे हैं उनमें जो दाढ़ रहती है
वो दाढ़ 12 इयर्स 11 इयर्स टू 13 इयर्स में आती है, उसके नीचे से आने वाले पक्के वाले दांत। तो कोई बच्चा अगर 4-5 साल का है, 5-6 साल का है, उसका दांत तभी खराब हो रहा है, तो आपको उस टाइम में उसका भी रूट कैनाल करने की जरूरत पड़ती है छोटे बच्चों की। क्योंकि वो दांत हम निकाल नहीं सकते हैं, वो दांत हमको 12 इयर्स तक चलाना है। और दूसरा, बड़े बच्चों में बोलोगे आप तो टीथ जितना मेंटेन करे, जितना नेचुरल टूथ हमारे ओरल कैविटी में रहे उतना अच्छा है। तो इसलिए कैसे फीलिंग्स से हम स्टार्टिंग में ही प्रिवेंट हो जा रहा है अपना, पर अगर वो नीचे अंदर नस तक चला गया तो फिर रूट कैनल ही ऑप्शन है। और अगर आप तभी भी इग्नोर करते जाते हैं तो फिर जो नीचे नस तक, नस अंदर हड्डी तक पहुंच गया है इन्फेक्शन, वो हड्डी खराब कर देता है, हड्डी गला देता है। इवन जो मैंने बताया आपको पहले स्केलिंग का, टीथ क्लीनिंग का, तो उसमें भी अगर हम ध्यान ना दें तो वो मसूड़े में से इन्फेक्शन नीचे हड्डी में चले जाता है, तो हड्डी गलने लगती है, वीक होने लगती है, और वो दांत इवेंचुअली फिर वो भी वीक हो के वो मतलब रूट कैनल से भी वो बच नहीं सकता है। तो मतलब बेटर यही है कि रूट कैनल करके उसको बचा लिया जाए, कुछ दिन बाद तो एटलीस्ट दिखाया जाए, अदरवाइज फिर वो लंबा काम हो जाता है। जैसे फिर वहां पे इम्प्लांट लगाओ, या फिर वहां पे ब्रिज सामने और पीछे वाले दांत का सपोर्ट लेके ब्रिज लगाओ, मतलब वो कॉस्टिंग में भी बढ़ जाता है आपका ट्रीटमेंट, प्लस जो काम बस 2-3 सेटिंग में होना था वो लंबा चल जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हमारे दर्शकों को, मतलब आप शंखनाद में आए हैं तो दांतों के बारे में क्या एक्स्ट्रा सजेशन देना चाहोगे आप कि क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको ब्रशिंग जो है वो 2 बार करना है। मतलब मुझे पता है एक्चुअली वैसा होता नहीं है, पर जितने भी बार आप पॉसिबल हो आप ब्रशिंग कर लीजिए, मिनिमम 2 टाइम्स जरूरी है, एक बार सुबह में और रात में सोने के पहले। फिर दूसरी बात है कि आपको साल में एटलीस्ट एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और स्केलिंग क्लीनिंग करा लेना चाहिए, और जो बाकी ओवरऑल जो है, जो भी वो बताते हैं कि भाई ये ऐसा हो गया वो वैसा हो गया, उसका ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। तीसरी बात, जैसे आप कुछ भी खाते हो, स्नैक्स, बेवरेजेस, एनीथिंग, तो आपको गार्गल करना है सिंपल, जस्ट मुंह में आप वाटर, पानी तो पीते ही हो, जस्ट टेक वाटर एंड जस्ट डू गार्गल, तो जो स्टिक हो जाता है फूड वो निकल जाता है। और माउथ वॉशेस वगैरह जो डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करें वो हमको लेना है। इतना भी आप अगर करोगे तो भी मतलब काफ़ी आपके ओरल हाइजीन काफ़ी मेंटेन होंगी और टीथ भी ज़्यादा से ज़्यादा चलेंगे। बहुत खूब मैम, आज अपन शंखनाद स्पेशल सलाह डॉक्टर मैम कडून जाणून घेतले की खरंच दाताची निगा ही कशा पद्धतीने राखावी। तर जसं मॅमने म्हटलं की 2 टाइम ब्रश करा, खरंच ब्रश करणं अत्यावश्यक आहे, नाहीतर मग खिशालाही परवडणार नाही आणि आपल्या वेळेतला वेळ काढून ते पण परवडणार नाही। त्याच्यामुळे 2 टाइम दात घासत राहा आणि हसत राहा। तर आपण इथेच थांबूया, पुढे बघूया नवीन विषयावर, नवीन लोकांशी पुन्हा चर्चा करूया। तोवर बघत राहा शंखनाद न्यूज। Thank you.